हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम PYQ की श्रृंखला है वो देख रहे थे कि किस तरह से RPSC क्वेश्चन पूछती है और कैसे बार बार रिपीट होते हैं, उसी में आज एक नई वीडियो है ये। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कुछ छोटी छोटी गलतियाँ जो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, उन बारीकियों को समझना चाहिए। उसी को लेकर हमारी जो वीडियोज है ये डेली आती रहती है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, वो ये है कि कल मैं आपके लिए सितंबर महीने का मंथली करंट अफेयर लेके आऊँगा, मंथली करंट अफेयर, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कल की वीडियो का लिंक वहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग उस मंथली करंट अफेयर की श्रृंखला जरूर देखना, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपका करंट अफेयर पूछा ही जाएगा। तो ये इंडिया का मंथली करंट अफेयर आएगा। तो ये छोटी सूचना आपके लिए थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप वीडियो को इसको लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर भी करना अगर आपको अच्छी लगे तो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला, वो इस प्रकार से कि सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। ये देखिए, ये आपको दिया होता है ना, इसके ऊपर आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा है इसने। आजकल तो क्या करते हैं कि हाईलाइट दे देते हैं इसको, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है, एग्जाम का प्रेशर होता है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो हम ये नहीं पढ़ते कि क्या पूछा है, सही पूछा है कि सही नहीं पूछा है। और इसको आसान करने के लिए आप एक काम कीजिए कि इसको यहां से कट कीजिए और इसकी जगह लिख लेना आप गलत है, गलत है। इस स्टेटमेंट को यहां से कट करके इसकी जगह लिख देना आप लोग गलत है। फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। अब हमारी जो क्लियरिटी है वो पूरी तरह से, जो भी हमारा डाउट था वो पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्लियरिटी आ चुकी है हमें कि एग्जामिनर जो है वो क्या पूछना चाहता है। तो सही नहीं है को काट कर क्या करना है, गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कॉमन सेंस वाले, कॉमन सेंस वाले। किस कैसे हम देखेंगे कि सूचना का अधिकार पूछा है और इसका उद्देश्य पूछा है, कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे इसमें हम। तो पहले सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना, बिल्कुल सूचना का अधिकार अधिनियम आया था इसीलिए आया था कि जो भी लोक सेवक अधिकारी होते हैं तो उनको पारदर्शी बनाना और उत्तरदायित्व तो उनका बढ़ाना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, समाज की महिलाओं व कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना और नागरिकों को सशक्त करना। देखो स्टेटमेंट तो वैसे तो चारों सही है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन ज्यादा गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा बिल्कुल सही है कि लोगों के लिए काम करने के लिए लोकतंत्र कैसे काम करे, सही से काम कर रहा है नहीं, RTI लगा के हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है क्या नहीं, यही तो उसका उद्देश्य है। ये दोनों स्टेटमेंट भी आपके सही है, लेकिन देखिए इसमें दिया हुआ है स्पेसिफिक सिर्फ महिला और कमजोर तबके। तो RTI ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ महिलाएं और कमजोर वर्ग में जो लोग आते हैं सिर्फ वही RTI लगा कर इसका फायदा उठा सकते हैं, हमारे भारत का कोई भी नागरिक है वो इसका फायदा उठा सकता है। तो ज्यादा सही स्टेटमेंट है वो चार, तो हमारे तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गए, तो चौथा बच गया तीसरा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से कॉमन सेंस वाले भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम सब कुछ नहीं पढ़ा होता उस टॉपिक के बारे में, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस हमने इतना तो पढ़ा होता है ना कि हम कॉमन सेंस लगा सके। एग्जाम में हमारा कॉमन सेंस काम नहीं करता, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसमें सिर्फ दो वर्गों को दे रखा है, एक तो महिला और एक कमजोर वर्ग। कमजोर वर्गों में कौन आ गया, बच्चे आ गए, बूढ़े आ गए, ठीक है। इस तरह के जो आते हैं वो कमजोर तबकों में आते हैं। तो बच्चे बूढ़े, तो बच्चे तो इसका RTI का उपयोग करे ना करे, महिलाएं कर सकती है, बूढ़े भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दे रखा है नागरिक, तो नागरिकों में सभी आ जाते हैं, पुरुष भी आ गए या फिर जो अपर लाइट अपर क्लास है वो भी आ गई, लोअर क्लास भी आ गई, हर एक प्रकार की क्लास इसमें आ जाती है। तो इस तरह से कॉमन सेंस से भी हम एक दो क्वेश्चन अपने सही कर सकते हैं, और हर बार एग्जाम में ऐसे दो से तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं जहां पर हमें कॉमन सेंस लगाना चाहिए। पूरे धैर्य के साथ क्वेश्चन को पढ़ना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर देखना कि क्या पूछा है क्या नहीं।
अब अगला है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? तो इसमें पूछा है अनुच्छेद कौन से हैं वो इन चारों में से जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो लोअर कोर्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 233 से 237, ये जो अनुच्छेद है ये लोअर जो कोर्ट होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना, आपका होमवर्क है ये, ठीक है? क्या बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन से, किस नंबर से लेकर किस नंबर तक इनके आर्टिकल है, ठीक है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ये देखिए, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में देख लेते हैं। 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, 233A में है कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की मान्यकरण तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का मान्यकरण, यानी कि जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति हुई है उनको मान्यता देना और उन्होंने जो निर्णय दिए हैं वो लागू होंगे या नहीं, उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है 233A। फिर है 234, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें हो गई, ये तो होगी 233 में और 234 में हो गए, इनको छोड़कर अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, या अन्य जो व्यक्ति होते हैं और अनेक सारे कार्मिक भी होते हैं न्यायालयों में उनकी नियुक्ति के बारे में। 235 है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, और 236 में इसकी व्याख्या दी गई है। 237 में इस अध्याय के प्रावधानों का दंडाधिकारियों किसी वर्ग या वर्गों पर लागू होना, यानी कि इसमें जो भी आपको आर्टिकल दिए गए हैं उस उनको न्यायाधीश होते हैं या फिर अन्य जो कार्मिक जो वर्ग होता है उनके ऊपर किस तरह से लागू किया जाएगा, कैसे वो इन अनुच्छेदों के अनुसार कार्य करेंगे, उसके बारे में अनुच्छेद 237 में डिटेल से दिया गया है, ठीक है? तो 233 से लेकर 237 तक जो आर्टिकल है वो अधीनस्थ न्यायालयों से है। आप लोग कमेंट करके बताना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आर्टिकल है वो कौन से नंबर से लेकर कौन से नंबर तक है, और आप इनके आर्टिकल जरूर याद रखना कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। बहुत बार एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन ये अनुच्छेद किससे संबंधित है, या फिर आपको डायरेक्ट देगा कि अनुच्छेद 21 में कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन, कौन सा कथन अनुच्छेद 212 से संबंधित है, ठीक है? तो आपको आर्टिकल याद होने चाहिए। मेनली आपको याद क्या होने चाहिए, जो भी आर्टिकल आपको याद होना चाहिए वो है मूल अधिकार। मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर जो संभावना होती है वो कहां से क्वेश्चन पूछने की होती है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? उसके बाद आ गई संसद, उसके बाद राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा, उसके बाद न्यायालय। एटलीस्ट आपको ये 5 से 6 टॉपिक है, इनके अनुच्छेद तो आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है? तो इनको आप जरूर याद करना। अगला है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एसके घोष इनके प्रथम अध्यक्ष थे। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और अब भी बताता हूं कि आपसे लेटेस्ट पूछेगा, प्रथम पूछेगा, अंतिम पूछेगा, ये तो हर एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं क्वेश्चन, कि वो कोई भी आपको संस्था दे देगा उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे या फिर उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। या और वो किन में कुछ पूछेगा, उन्हीं में पूछेगा जहां पर अध्यक्ष का जो नियुक्ति है वो नई अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, पुराने को चेंज किया गया है, ठीक है? तो आप प्रत्येक संस्था का अध्यक्ष जरूर याद रखना कि पहला अध्यक्ष इसका किसको बनाया गया था, और उस व्यक्ति के बारे में भी थोड़ा डिटेल से जान लेना। अब जैसे ये एसके घोष है तो इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल से जान लेना कि ये व्यक्ति है कौन और किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, ठीक है? इस तरह की बातें हैं वो जरूर पूछ लेते हैं आपसे।
या फिर जैसे अभी ये पूछ लेगा कि आरपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम की जगह क्या दे देगा, वर्तमान। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है आरपीएससी के वो कौन है, चेयरपर्सन, ठीक है। और जैसे कि आरपीएससी के वर्तमान जो भी चेयरपर्सन है एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी है, तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेना कि वो को व्यक्ति कौन है, उन्होंने पहले किस क्षेत्र में काम किया है, ठीक है, कि वो क्यों फेमस है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था, आपने शब्द सुना होगा लोकपाल और लोकायुक्त, लोकायुक्त, यह क्वेश्चन वहीं से आया, लोकपाल और लोकायुक्त वाला जो आपका टॉपिक है वहीं से यह क्वेश्चन उठाया गया। तो लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। और अगला है न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है और या दोनों गलत है। तो ये देख लीजिए, फिर से आ गया पहले लोकायुक्त कौन थे, पहला क्वेश्चन पूछ लिया ना। अब आगे क्या करेगा, अगर एग्जामिनर इसको रिपीट करना हो ना इस क्वेश्चन को, तो वो ऐसे देगा कि क्वेश्चन बनाएगा निम्नलिखित में से राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे। आपको चार स्टेटमेंट दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, फिर आपको बताना है, ठीक है। और फिर आप क्या बोलोगे, सर ये रिपीट तो नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो ये और कैसे रिपीट होंगे, यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है उसका क्वेश्चन फॉर्म बना के नए पेपर में आपको सेट कर दिया, डायरेक्ट यहीं से पूछा गया, तो आपको याद होना चाहिए पहला, एटलीस्ट पहला और वर्तमान जो है वो आपको याद होने चाहिए हर एक संस्था के, ठीक है। तो लोकायुक्त संस्था के पहले कौन थे, आई डी दुआ, यहीं पर याद कर लो। अब आप लोकायुक्त लोकपाल जहां भी पढ़ो, अगर आपने वहां पर नहीं पढ़ा है तो आपको एक नया टॉपिक, नया आपको एक क्वेश्चन मिल गया। तो पहले कौन थे और ये क्या थे, न्यायमूर्ति है, न्यायाधीश थे। ये देख लीजिए इनके बारे में, लोकायुक्त संस्था का सृजन जन साधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जांच एवं अन्वेषण करने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में आया था। डायरेक्ट मैंने आरपीएससी की साइट से आपके लिए लेके आया हूँ, जो भी आप सोर्स पढ़ो ना वो ऑथेंटिक होने चाहिए, ठीक है। सारे सारे आप आरपीएससी की जब साइट खोलोगे, होम पेज देखोगे, तो वहां पर डायरेक्ट ये लाइन लिखी हुई आपको मिलेगी, ठीक है। तो जो भी आप सोर्स पढ़ो वो ऑथेंटिक पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ऑथेंटिक सोर्स से ही क्वेश्चन बनाता है, बाहर से नहीं बनाता कहीं से। तो अब ये देखिए, लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य है, यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और न ही इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप है। अब जैसे हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि दो या तीन स्टेटमेंट दे देगा, वैसे ही अगर क्वेश्चन बना के दे दे कि निम्नलिखित कथनों में लोकायुक्त संस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। आपको चार स्टेटमेंट दे दिए, कौन से देगा, पहले तो पहला स्टेटमेंट जैसे ऐसे दे दिया कि ये 1973 में आया था, ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति आई डी दुआ थे, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट दे देगा, लोकायुक्त एक स्वतंत्र
संस्थान नहीं है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आप इसको नहीं पढ़ोगे और आप क्या कर जाओगे, सही कर जाओगे, या फिर आपने आधा अधूरा पढ़ा होगा फिर भी आप इसको क्या कर दोगे, सही कर दोगे। तो एक एक शब्द आपको ध्यान से पढ़ना है, अगर ये नहीं देगा तो क्या दे देगा कि लोकायुक्त संस्थान में, लोकायुक्त संस्था में सरकार का हस्तक्षेप रहता है, लेकिन आरपीएससी की साइट में इसने दे रखा है कि यह राज्य सरकार का ना ही तो कोई विभाग है और न ही इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है, या फिर लोकायुक्त संस्था राज्य सरकार का एक विभाग है, लोकायुक्त संस्था राज्य सरकार का एक विभाग है। ठीक है, देखिए चार लाइनें दे रखी है, इन चार लाइनों में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हमने किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया, घुमा फिरा के वो पूछेगा, एग्जामिनर जरूर पूछेगा, और आपको पहचानना है। ठीक है, जो भी सोर्स आप पढ़ो ऑथेंटिक सोर्स पढ़ो, ऑफिशियल जो साइट्स होती है ज्यादा कोशिश करो कि आप वहीं से पढ़ने के प्रयास करो, वहीं से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो कैसे भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछेगा, तो मैंने आपको बता दिया इन चार लाइनों में चार आपको स्टेटमेंट दे देगा, वहां से पूछेगा। अब ये देख लीजिए इनकी जो लोकायुक्त है उनकी लिस्ट, जो पहले थे वो थे न्यायमूर्ति आईडी दुआ, पूर्व न्यायाधीश कहां के हैं, उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, क्वेश्चन में इसने उच्चतम न्यायालय नहीं दिया एग्जामिनर ने, हो सकता है आगे जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो वहां पर दे दे कि न्यायमूर्ति आईडी दुआ जो लोकायुक्त के प्रथम अध्यक्ष थे वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ऐसे आपको दे देगा और आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कौन थे, ये थे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, इनका कार्यकाल और आप लोग याद रखना 28 अगस्त 1973 से 27 अगस्त 1978 तक 5 वर्ष का इनका कार्यकाल था। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब आप दूसरा भी याद रखना, दूसरा क्यों याद रखना, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश है जो इसके अध्यक्ष बने थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री डीपी गुप्ता, इनका कार्यकाल था 28 अगस्त 1978 से 5 अगस्त 1979 तक, यानी लगभग 1 वर्ष तक इनका कार्यकाल था। तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे पहले, इनको भी आप याद रखना। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में राजस्थान उच्च न्यायालय के, सॉरी निम्नलिखित में से लोकायुक्त कौन थे, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने लोकायुक्त का पद ग्रहण किया था वो कौन थे, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इनको याद रखना। ये जो आपकी लंबी चौड़ी लिस्ट है आप लोग नोट्स बनाना इनके और याद रखना। अब जो वर्तमान में है लोकायुक्त तो वो कौन है, वो है न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोरा, ये कौन है, पूर्व न्यायाधीश है राजस्थान उच्च न्यायालय के। ठीक है, तो इनका कार्यकाल 9 मार्च 2021 से शुरू हुआ था और अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है। अब यहां पर अगर वर्तमान अध्यक्ष को लेकर क्वेश्चन बनाना हो आरपीएससी को, तो वो कैसे बनाएगी कि लोकायुक्त के, सॉरी राजस्थान लोकायुक्त संस्था के वर्तमान अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देगा और उसमें आपको एक स्टेटमेंट ये दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है कि कैसे भी पूछे मैं तैयार रहूंगा, मुझे एक एक शब्द पता है जो आरपीएससी ने अपने साइट में दे रखा है ना,
उसका तो मुझे एक एक शब्द पता है, या फिर उनका समय पूछ लेगा कि जो वर्तमान लोकायुक्त है उनका कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ था, डायरेक्ट चार डेट दे देगा आपको, 9/3/2021 एक तो यही देगा, दूसरी दे देगा 8/6/2021, तीसरी दे देगा 9/8/2021 और चौथी आपको दे देगा 10/10/2021। तो आपको बताना है कि कौन सी डेट इनमें सही है। और ज़्यादा अगर आपको कंफ्यूजन देना हो एग्जामिनर को तो वो क्या देगा, 7, 8, 9 और 10। लो जी, अब बताओ आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बनाना हो एग्जामिनर को तो वो ऐसे दे देगा कि वर्तमान लोकायुक्त का कार्यकाल कब से प्रारंभ हुआ था। अब बताइए आप, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी बनाकर दे सकते हैं, तो आपको एक एक शब्द याद रखना है इनका, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। कल हमारी करंट अफेयर की क्लास आने वाली है, सितंबर महीने की मंथली करंट अफेयर, तो वो आप लोग जरूर देखना, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो किस आर्टिकल में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो अनुच्छेद 153 में मैंने आपको बोला था, याद होने चाहिए राज्यपाल के भी आगे, तो मैंने आपको वहां पर बोला राज्य विधानसभा, तो विधानसभा में ही आ जाता है राज्यपाल। देख लेते हैं थोड़े आर्टिकल राज्यपाल के बारे में, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह भारत के संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीन जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से करेगा। ये बात किस में लिखी गई है, 154 में, तो डायरेक्ट दे देगा कि जैसे एक क्वेश्चन बनाया गया है ना, तो प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, इसकी जगह दे देगा कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किस अनुच्छेद में, तो 154 में। 155 में क्या दे रखा है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी। तो राज्यपति राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दे रखा है अनुच्छेद 155 में। अगला है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, किस में दे रखा है, अनुच्छेद 164 में, ठीक है। तो इन अनुच्छेदों को जरूर आप लोग याद रखना। अब देखो ये एक फिर से आयोग संस्था आ गई, राजस्थान महिला आयोग, आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है, क्या पूछा गया, नहीं है, यानी कि ये आपको चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से जो महिला आयोग है राजस्थान की वो कौन सा कार्य नहीं करती। तो ये भी आपका बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, जब आप आयोग वगैरह पढ़ते हो तो इतना कॉमन सेंस आप लगा ही लेते हो, ठीक है, कि उस संस्था के बारे में जानकर। तो क्या है, पहला है स्टेटमेंट, महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना। बिल्कुल, महिला आयोग इसीलिए बना है कि जो भी महिला उत्पीड़ित है वो शिकायत लेके आती है, या उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति शिकायत लेके आता है कि इस महिला को उत्पीड़ित किया जा रहा है, तो महिला आयोग उसकी शिकायत सुनेगी। महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, निगरानी भी रखती है कि कहीं उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना, बिल्कुल, महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। अगला, महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। आयोग का कार्य दंड देना नहीं होता, दंड केवल न्यायालय दे सकते हैं, ठीक है, दंड देने का काम न्यायालय का होता है, तो आयोग दंड नहीं देता, बाकी सारे काम करते हैं। अगर इसमें कोई और स्टेटमेंट आ जाता तो हो सकता है कि वो भी सही हो जाता, फिर देखते हैं हम कि कौन सा ज्यादा गलत है। अब है राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, 1992, 1994, 1993 और 1996, तो 1994 में हुआ था, 72वां और 73वां संविधान संशोधन आए थे, ठीक है, जिसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची गई जोड़ी गई थी, उसी समय राज्य निर्वाचन आयोग भी लाया गया था।
राज्य निर्वाचन आयोग की साइट से बिल्कुल आपके लिए जो कंटेंट है वो लाया गया है, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है, यही से डायरेक्ट पूछा, ये देख लीजिए। और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, पीछे मैंने आपको कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं मैं, ये क्वेश्चन ठीक है, जिसमें आपको महीना गलत दे रखा था, कहीं जुलाई दे रखा है, कहीं अप्रैल दे रखा है, कहीं दिसंबर दे रखा है, ठीक है, वही क्वेश्चन अब डायरेक्ट रिपीट हुआ। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्लिक होना चाहिए ये चीज, राज्य चुनाव आयोग। अब मैंने आपको बात बताई है, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जरूर देखना, वहां पर आपको पता चलेगा कैसे रिपीट होते हैं। राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया। जो राज्य चुनाव आयोग है एकल सदस्यीय आयोग है, डायरेक्ट पीछे मैंने जो क्वेश्चन कहे थे डायरेक्ट देख लो यहीं से है, जिसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं। आयोग मतदाता सूची तैयार करने, पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगर निकायों के लिए चुनाव कराकर अपनी संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करता है। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है, केंद्र निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। अगला है विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत से, बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। तो मैंने पहले भी आपको एक करवाया है कि राजस्थान में 4 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो पहली बार जब हुआ था तो ये अस्पष्ट बहुमत था, तो उसके कारण हुआ था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, 44 दिन का लगा था। उसके बाद 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक 53 दिन का लगा था। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक 110 दिन लगा था। और 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 लगभग 1 साल के लिए लगा था, 354 दिन के लिए लगा था। ये देखो फिर से आ गया, क्वेश्चन को फिर से देखना कैसे पूछ रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर की आप जो थिंकिंग है वो पकड़ो कि कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा रहा है, कैसे पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे, यानी जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे वो कौन है, ठीक है, आपसे ये पूछा गया। एक क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था, उनके अध्यक्ष बताया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, क्रम में 2 नंबर के थे, ये क्रम में पता नहीं चौथे या पांचवें नंबर के हो सकते हैं, लेकिन ये पूछा प्रथम बार बने है ना बिना कांग्रेस के अन्य किसी पार्टी के, तब पूछा है, ठीक है। तो ये है लक्ष्मण सिंह। देखिए जो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है, 31 मार्च 1952 से 25 अप्रैल 1957 तक, इसमें शायद नाम दे रखा होगा। गोपाल सिंह, शांतिलाल, हरि सिंह और लक्ष्मण सिंह, 4 नाम दे रखे आपको, दिखाएंगे इनको भी। दूसरे है रामनिवास मिर्धा, तीसरे है निरंजननाथ आचार्य, चौथे है राम किशोर व्यास। तो ये जो 4 हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, पहले जो 4 जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कांग्रेस से चुने गए थे। उसके बाद जो 5वां आया था लक्ष्मण सिंह जी, ये 5वें व्यक्ति है जो जनता पार्टी से चुनकर आए थे, 18 जुलाई 1977 से 1977 को चुनकर आए थे, और 20 जून 1979 तक इनका कार्यकाल था, 1 साल 377 दिन तक, ठीक है। वो क्रम में वैसे 6 नंबर के थे, 6वें नंबर पर अध्यक्ष चुन के आए थे। 6वें नंबर पर कैसे, तो पहली बार नरोत्तम जी आए थे, उसके बाद दूसरे और तीसरे टर्म के लिए रामनिवास मिर्धा जी को ही चुना गया था, तो 3 टर्म इनकी हो गई, तो ये 6ठी टर्म में आए थे। और इनका क्रम कौन सा है, 5वें नंबर के लक्ष्मण सिंह जी, जो और प्रथम जनता पार्टी के, यानी गैर कांग्रेसी है। उसके बाद राजा गोपाल सिंह आ गए, पूनम चंद बिश्नोई आ गए, हीरा लाल आ गए, गिरजा लाल प्रसाद तिवारी जी आ गए। ठीक है, वो वर्तमान कौन है,
सीपी जोशी साहब जो है, 16 जनवरी 2019 से इनका कार्यकाल हुआ था, और ये किससे है, कांग्रेस से। तो देखा प्रथम कितनी बार पूछा गया प्रथम, तो आप एग्जामिनर की जो थिंकिंग है वो पकड़ो, आपका क्वेश्चन जरूर सही होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना सही पढ़ना है। अब राजस्थान में आखिरी बार, मैंने बोला अंतिम बार, जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया यहां के राज्यपाल कौन थे, अभी मैंने आपको बताया था 1992 में लगाया गया था, 15 दिसंबर 1992 को। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही पहले तो डेट आनी चाहिए, आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, आपको याद आ गया 1992 में, फिर आप देखना कि उस समय के राज्यपाल कौन थे। तो अमचन्ना रेड्डी उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे, यह भी मैंने आपको बताया है, 4 बार शासन लगा है। अब यहां देखिए, ये जो राज्यपाल है इनका टेन्योर, ये इनके नाम और इनका टाइम पीरियड या टेन्योर, यानी कि कब तक इन्होंने शासन किया था, कब तक ये पद पर रहे थे। तो 1992 में लगा था, ये गलत है, यहाँ पे 91 होगा। ये देखिए डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी 5 फरवरी 1992 से 30 मई 1993 तक, ठीक है। तो आप सारे के सारे याद रखना, कलराज जो जी है 4 सितंबर 2014 से 9 सितंबर 2019 तक। तो ये आज हमारा आखिरी क्वेश्चन, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई, तो वो बताने चौथा था, छठा था, पांचवा था, सातवां था, तो कौन सा था, छठा विधानसभा। पहले में कितनी थी, पहले में 160, दूसरे में 176, तीसरे में 176, चौथे में 184, पांचवे में 184, और छठे में कितनी कर दी गई थी, 200, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है पहले, ये मैंने आपको दिखाया था 1952 के चुनाव में 160, 1957 के चुनाव में 176, 1962 में 176, 1967 में 184, 1972 में 184, और 1977 में कितनी हुई थी, 200। ये भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान जो विधानसभा सीटें हैं वो किस चुनाव में लागू की गई, यानी 200 सीटें किस चुनाव में आई थी, तो 1977 के चुनाव में, ठीक है। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन, आप लोगों यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कल हमारी करंट अफेयर की क्लास आएगी, वो आप लोग जरूर देखना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।